हेलो दोस्तों, आज हम टीपी लिंक CP610 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एज एन एक्सेस पॉइंट। हमें यहाँ पे नेटवर्क में जाना है और नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है, और बाद में यहाँ पे हमें इथरनेट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इथरनेट 3 पे क्लिक करना है और उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे हम ढूंढेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, उसमें जाना है, और यहाँ पे ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक मैनुअल करना है, और उसमें हमें 0 के सीरीज में हमें आईपी एड्रेस डालना है। यहाँ पे हम डालेंगे 0.10 कर देंगे और यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और बाद में ओके कर देना है, ये क्लोज़ कर देना है टैब, ये भी क्लोज़ कर देना है और ये भी क्लोज़ कर देना है। अब हम CPE का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस वो डालेंगे 192.168.0.254 और एंटर कर देंगे। बाद में यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे CPE का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डाल देना है एडमिन। इसका पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में एडमिन ही होता है, वो अब हम डाल देंगे। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर देंगे इंडिया, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके हमें अभी लॉगिन कर देना है। यहाँ पे हमें अभी न्यू यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। मैं अभी फ़िलहाल एडमिन ही रख रहा हूँ और पासवर्ड मेरा खुद का बना ले रहा हूँ। आपने कौन सा भी पासवर्ड बनाना है वो डाल देना है उस पर। यहाँ पे मैंने अभी पासवर्ड कंफर्म कर दिया है दूसरा, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये फ्रंट पोर्टल ओपन हो गया है। बाद में क्विक सेटअप पे जाना है, यहाँ पे एज एन एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस था उसे हमें चेंज कर लेना है। मैं फ़िलहाल अभी 1 के सीरीज़ में कर ले रहा हूँ, 1.30 मैंने दिया है उसको आईपी एड्रेस, और नीचे जाके हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे SSID जो हमें यहाँ पे नाम दे देंगे हम सर्वेलियंट, जो हमें बाद में क्लाइंट के लिए दिखेगा वहाँ पे, और यहाँ पे उसे पासवर्ड सेट कर देंगे हम। पासवर्ड सेट कर दिया है मैंने, ये सेट कर दिया फिर से। यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे और यहाँ पे मैक्स ट्रिम है ऑप्शंस, उसे भी हम इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्वलेंट 1 डाल दिया है क्योंकि मेरा सर्वलेंट ऑलरेडी वाईफाई का नेम है, उसके से मैंने 1 करके चेंज कर दिया है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेना है सेटिंग और फिनिश पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे से फिर से रिफ्रेश मार के 1 के सीरीज में जो है आईपी वो डाल के यहाँ पे रिलोड करना है। यहाँ पे से हम उसे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से इथरनेट में जाएंगे और नेटवर्क शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, फिर से इथरनेट 3 पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे वन पे वन के सीरियल में कर देंगे आईपी हमारा, और ओके पे क्लिक कर देंगे, सब क्लोज कर देंगे टैब। यहाँ से फिर से हम रिलोड करेंगे, एडवांस में जाने का है हमें, और हमें प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था नया वो डाल देना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने जो नया आईपी एड्रेस डाला था उस पे से ये पोर्टल ओपन हो चुका है। फिर से वायरलेस में जाना है। यहाँ पे हमने सब देख लेना है एक बार, सब प्रॉपर है कि नहीं। अब हम अलग अलग टैब देखेंगे, कौन कौन से फंक्शन दिए हुए हैं वो अब देख लेंगे हम। मैनेजमेंट में जाके भी देख लेंगे एक बार क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। सब फंक्शन देख लेंगे एक बार, सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पे डिवाइस नेम है, लैंग्वेज है, टाइम सेटिंग है। यहाँ पे नीचे करके देखेंगे अपन, यहाँ पे टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा GMT प्लस 5:30। यहाँ से हम डेट चेंज कर देंगे अब। डेट और टाइम हम नीचे से भी चेंज कर सकते हैं सिंक्रोनस पे क्लिक करके, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसे 2022 कर देंगे। सात मार्च यहाँ पे प्रॉपर डेट सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर देंगे, हम यहाँ पे से भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब आप टाइम सेलेक्ट कर देंगे 4:45। यहाँ पर डेट सिलेक्ट नहीं हुई लगता, यहाँ पे से डेट फिर से हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे से मैं ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे से इंटरनेट पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे से GMT पे क्लिक कर देंगे हम, गेट GMT। यहाँ पे सिंक्रोनस कर देंगे हमारे पीसी के साथ, ऑटोमेटिक वहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। और बाद में यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके हमें सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब हम सेव पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। हम मैनेजमेंट में आए। ओके, हम ऑप्शन देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शन आए दिए हुए वहाँ पे। वेब सर्वर, SNMP, एजेंट, SSH सर्वर नहीं। यहाँ पे वायरलेस AP सेटिंग दिया हुआ है वहाँ पे, जो हमने सेटिंग किया था वहाँ पे। यहाँ से हम एडवांस वायरलेस सेटिंग में से भी हम यहाँ पे डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं AP का, कितने किलोमीटर तक हमें रेंज प्रोवाइड करना है उसके लिए। यहाँ पे वायरलेस मैक का फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे एक बार देख लो आप सब, पढ़ लो। अब हम लैंड कनेक्शन भी देखते हैं, जो हमें IP डाला है वो भी आ रहा है वहाँ पे। कनेक्शन टाइप स्टैटिक ही रखा है हमने। यहाँ पे नीचे भी ऑप्शंस दिए हुए वो भी देख लेंगे। स्टेटस में जाइए आप, स्टेटस में देखिए यहाँ पे पूरे डिवाइस का स्टेटस दिखता है हमें। यहाँ पे AP इनेबल दिखा रहा है हमें, SSID सर्विलेंट 1, कनेक्शन स्टेटस 0, क्योंकि अभी हमने क्लाइंट अभी तक कॉन्फिगर नहीं किया है, उसके से स्टेशन 0 दिखा रहा था वहाँ पे। यहाँ पे नीचे लैन कनेक्शन दिखा रहा है ग्राफ। एक क्विक सेटअप में से हम अभी एक्सेस पॉइंट और क्लाइंट की वो सेटिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग पे। अभी लॉकआउट कर दिया है हमने। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अभी क्लाइंट की सेटिंग करेंगे, उसमें हम पूरा दिखाएंगे क्लाइंट का कैसे सेटिंग करना है।